नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, अच्छी शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते अभी लास्ट मंथ से जो भी ट्रेडिंग होता है, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेडिंग होता है, एक दिन में निफ्टी 100 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स का अप डाउन कर लेता है। तो पीएस बैंक के अंदर भी जैसे अब बैंक निफ्टी मंडे के दिन अब ट्रेंडिंग जाएगा तो उसमें पीएस बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, बैंक निफ्टी बढ़ता है उसमें पीएस बैंक बढ़ते हैं, तो पीएस बढ़ने से बैंक निफ्टी में अप मूव देखने को मिलता है। तो उसी देखते हुए इंडियन बैंक के अंदर जो रिवर्सल ट्रेंड आ चुका है, मुझे लगता है जो हमें टारगेट देना हो, टारगेट 10 से 15 दिन में सारे टारगेट हिट होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, ये मैंने देखिए इंडियन बैंक की वेबसाइट खोल रखी है, तो इंडियन बैंक के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि क्या काम करता है। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, पीएसए बैंक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। अब समझते हैं इसके साथ चल क्या रहा है, क्या सही समय से बाय करने का, ये भी समझते हैं। तो ये देखिए, मैंने गूगल पर ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, ये मंडे यानी कि अपना फ्राइडे के दिन क्या इसका ट्रेडिंग सेशन है वो देखते हैं। ये देखिए, ओपन होता है फ्राइडे वाले दिन, यानी कि आज 12 दिसंबर है और दिन के 12:30 बज रहे हैं। मार्केट ऑफ है क्योंकि संडे वीकली ऑफ है, मंडे कल मार्केट ओपन होगा तो इसमें डेफिनेटली अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा आपको। तो ये देखिए, ओपन होता है 152.90 पे, हाई मारा 163.40 का, लो मारा 151.85 का। 52 हाई है इसका 194.95 और 52 लो है 174.05 का, 52 लो है 74.05 का। तो कल के दिन इसने 5% की तेज 5.5% की तेजी के साथ क्लोज होकर बंद हुआ है। ठीक है ना, फ्राइडे वाले दिन। अब इसके अंदर देखिए क्या था, ये इसने 5 दिन के अंदर अभी तक हमें 14% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ के अंदर अभी तक इसने माइनस में 4% रिटर्न दिए हैं। अभी तक 6 मंथ के अंदर अभी तक ने बस 10% रिटर्न दिया अभी तक इसने। ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 83.36% इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिए हैं। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया। तो आप समझते हैं इसके अंदर है क्या क्या पॉइंट है और समझते हैं इसके अंदर। देखिए, मैंने मनी कंट्रोल की साइट पर ओपन कर लिया है। तो मनी कंट्रोल की साइट पर हमें देखिए इसके अंदर जो ट्रेडिंग सेशन वाले यस्टरडे और कल के दिन और वीकली ट्रेडिंग देखेंगे तो 50% का एवरेज आ रहा है। यानी कि देखिए, कल ट्रेडिंग हुई थी जिसमें 43 लाख की होती है, उसमें डिलीवरी उठा दी गई है 42 लाख शेयरों की, और परसों जो ट्रेडिंग होती है उसमें 24 लाख की हुई थी, तो उसमें 6 लाख ट्रेडिंग उठाए थे। तो ऐसे इसमें ट्रेडिंग उठाई जा रही है और इसमें 100% एलएचआर बोले इसमें बाय करने के लिए आपको। अब थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। इसके अंदर शेयर होल्डिंग में चल क्या रहा है, तो देखिए इसके शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी बैंक के पास खुद के पास है 79.86 और पब्लिक के पास है 7.2, DIs के पास है 10.56 और FIs के पास है 2.37। तो इसका ओवरव्यू है, इसके अंदर शेयर होल्डिंग क्या है, यानी FIs, DIs और प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है। अब इसके अंदर समझते हैं इसके अंदर और क्या चल रहा है। देखिए, मैं टिकट टेप की साइट पर आ चुका हूँ, तो टिकट टेप की साइट पर भी हमें 89% इसमें एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के लिए हमारे को। जेफ्रोस की वो इसमें जेफ्रोस ने इसमें वो बताया कि बुलिश ट्रेंड आ चुका है, जेफ्रोस ने इसमें वो टारगेट दिया है, और IIFL ने इसमें 159 के टारगेट थे वो हिट हो गया, 3 दिन पहले से टारगेट थे वो हिट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर समझ से चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, तो मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा। डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं हम, तो डेली चार्ट पर देखिए किस तरह से ये यहाँ से अप ट्रेंड के बाद से, यानी कि जिसमें तेजी हुई थी 26 अक्टूबर से, फिर डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल के बाद ये फिर से करेक्टिव मोड पर आ चुका है, और करेक्टिव मोड के बाद कल जो इसमें कैंडल बनी है इसके अंदर, ये बुलिश कैंडल जो बनी है, तो बुलिश कैंडल जो बनी है इसकी जो ओपन होता है, ओपन यानी 53 पे होता है, फिर डाउन जाता है 51 पे। देखिए, ये कैंडल का शेडो बना, फिर शेडो के बाद से फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई और ये अप ट्रेंडिंग की तरफ ही क्लोज हुआ है, यानी हाई मारने के बाद से फिर भी अप ट्रेंडिंग की तरफ क्लोज हुआ है। यानी क्लोज कितने पे हुआ था, ये 160 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, 162 के आसपास। तो ये देखिए, समझने वाली बात है, ये जो कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल जो बन रही है, इस कैंडल को देखेंगे हम तो, ये जो कैंडल यहाँ तक गई थी, ये कैंडल जब यहाँ तक गई थी तो इस कैंडल पे आ चुकी थी। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें स्टॉप लॉस रखना है 100, जो इसका डाउन था यानी कि 150 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। आप कितने का स्टॉप लॉस रखना है आपको, 150 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो पहला टारगेट तो मेरा यहाँ से क्लियर है, कल के दिन ही आ सकता है पहला टारगेट मेरा 165 का। देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है 175 की कैंडल बनी है, तो पहला टारगेट तो मेरा 165 का, 165 के लिए करेगा तो इसी कैंडल पे सपोर्ट ले रहा था। ये यहाँ डबल बॉटम सपोर्ट है, या देखिए इस कैंडल पे भी, इस कैंडल पे भी यहाँ पे अप ट्रेंडिंग आएगा, तो दो इसका अपर है इसका लोअर है, तो यहीं से उठेगा ये, तो शेयर जैसे उठेगा तो इन कैंडलों पर सपोर्ट लेगा ये।
तो पहला टारगेट 165 का, दूसरा टारगेट 170 रुपये का, क्योंकि ये जो कैंडल का सपोर्ट लेगा तो ये कैंडल जो है 165 तक का लेवल क्लियर करा देगी। जैसे इस कैंडल को क्लियर करेगा तो वैसे इसमें आ जाएगा 170 तक का लेवल क्लियर हो जाएगा आपको। तो तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 175 रुपये का, क्योंकि ये कैंडल 175 के बाद यहाँ पे भी अप ट्रेंडिंग है। वैसे इसमें 180 तक के टारगेट डेफिनेट देखने को मिल सकते हैं आपको, बट ये जो चार्ट पर सपोर्ट लेकर चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये अपने 20 डेज के हाइस पे जा चुका है। देखिए ये जो गैप फिल हुआ है इस टाइम पे, अच्छी खासी कैंडल को कवर करा है इसने, इसी कैंडल को एक ही दिन में, यानी दो दिन में से पूरी कैंडल को कवर कर ली इस वाली को। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही कैंडल को सपोर्ट लेगा, इस कैंडल पर सपोर्ट लेगा, इस कैंडल पर आएगा, तो वैसे इसके अंदर अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट 165 का, दूसरा टारगेट 170 रुपये का, तीसरा टारगेट 175 रुपये का, इन तीन टारगेट के बाय करिए, पोजीशन होल्ड रखिए। अब देखिए थोड़ा सा एमएससीडी पे भी देखिए इंडिकेशन आ चुका है अब ट्रेंडिंग का। ये देखिए क्रॉस मूविंग आ चुकी है यहाँ पे एमएससीडी पे, अब टर्न हो चुका है। देखिए कल के दिन जो इसमें जो परसों से तेजी देखने को मिलेगी, देखिए ये जो इसने 100 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस करके गया था यहाँ पे, इस वजह से परसों से या तीन दिन पहले, यानी कि इसमें जो देखी थी 8 दिसंबर के बाद से तेजी देखने को मिली है। उस तेजी की वजह क्या थी, 100 डेज के एवरेज मूव के अब ट्रेंडिंग की तरफ जा चुका था। ये देखिए इसका RSI 60 के पास जा रहा है, यानी 55 के अबव चल रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे भी अब ट्रेंडिंग देखने को मिला, तो ये प्लस इंडिकेशन देते हैं हमारे को, अच्छे इंडिकेशन मिलने चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर हमें सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, 150 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो आपका पहला टारगेट 165 का, दूसरा टारगेट 170 रुपये का, तीसरा टारगेट 175 तक के लिए बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।